Add something to our audience. So guys, welcome back to my channel. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं आप लोगों को अभी ये वीडियो जो है वो मेटजिंगन आउटलेट सिटी से बना रही हूँ. पर खुशी की ये बात है कि जो फाइनल डे है शिफ्टिंग का वो आ गया है. तो कल जो है वो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं. ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हम लोग आपको ऐसा सोल्यूशन बताने वाले हैं जहाँ पर आपको खुद शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए लोग आएंगे और वो शिफ्ट करेंगे, गाड़ी भी वो लेके आएंगे, एंड द बेस्ट थिंग इज़ बहुत सस्ते रेट्स में. तो वीडियो जो है वो पूरा देखना. लगेज पूल जो है वो ड्राइवर्स विद वैन देता है. वैन नीचे खड़ी है और हमारे साथ दो हेल्पर्स हैं जो हमारा सामान लेके जा रहे हैं. इनकी सर्विसेज जो होती है ये असेंबल डिसेंबल भी करते हैं, सामान जो है वो वैन में रखते हैं और आपका सामान जो है वो नेक्स्ट जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक आपको छोड़ देते हैं. इसके अलावा यहाँ पर वेस्टेज जो है वो आप ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकते हो, तो जितना भी बहुत ज़्यादा वेस्ट निकला है वो भी ये लोग जो है वो डालते हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं जंक हॉलिंग. जैसे कहीं पर भी कुछ डैमेज हो गया तो ये रिपेयर भी करते हैं. दे हैव सारे टूल्स. देखो ये जो है नीचे गाड़ी रखी हुई है एंड गाड़ी ड्राइवर के साथ है. क्यों दीपक? अगर हम नए नए आते हैं तो हमारे पास लाइसेंस नहीं होता, तो उसके लिए कितना ईजी है. बहुत ज़्यादा. सो बेस्ट पार्ट इज़ कि आपका जो सामान है, तो ये है गाड़ी जो आई है, वैन है. ये वैन जो है वो आप लोग किराए से भी ले सकते हो. ये हमने पिछली बार शिफ्टिंग के टाइम पे बताया था. पर बेस्ट पार्ट इज़ अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप नए नए यहाँ पर आए हो, आपको पता नहीं है प्रोसेस, तो ये बहुत चीप और बहुत अच्छी जो है वो सर्विसेज है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी. रखने का तरीका देखो तुम कितने अच्छे से. जब मैंने शिफ्ट किया था, मतलब हम लोगों ने शिफ्ट किया था, तो हमने कैसे भी सामान रखा था. नाउ सी दैट सब कुछ जो है वो अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी चीज़ डैमेज ना हो, और अच्छे से सब कुछ जमा रहे हैं, और जो भी चीज़ कांच वगैरह की है वो पूछ रहे हैं कि वो अच्छे से उसे हैंडल करें. तो इस तरीके की चीज़ें जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी. तो दो टायर, एक मतलब दो टायर दोनों हाथ में उठा के ले गया नीचे से. भैया रैम्बो खतरनाक यार, अपना कैसे हाथ उसमें अपन ऐसे ऐसे घुसते हैं, उठाया उसने और ऐसे ऐसे लेके चला गया दोनों. तो इस बार बहुत इजी है कंपैरेटिवली. तो अभी वो सामान ले गए हैं ड्राइवर और वो, और मतलब वो जो हेल्पर और ड्राइवर दोनों आए थे, हम पीछे से जाएंगे और अब वो ही रख देंगे. आई थिंक दीपक बहुत इजी हो गया हमें इस बार, सच में जान बच गई. दीपक लास्ट टाइम हमने किया था है, हमारे फिर भी 300-350 यूरो जो है पैसे लगे थे अपने. हाँ, ऑब्वियसली. और अभी जो है वो हमने वो हम वहाँ बताएंगे एक्चुअली. और हम ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहे हैं. पहले कितना, 70 किलोमीटर था, ये 250 किलोमीटर है. तो अगर पैसे की बात करें तो मैं तो बोलूंगी कि भाई दिस इज द बेस्ट. और अब हम निकल रहे हैं टू म्यूनिक. म्यूनिक शिफ्ट करना और इतना आसान हो गया ना काम, मैं क्या ही बताऊं. मतलब आप सोचो कि आपको पहले गाड़ी को वो करना है, ठीक है, गाड़ी 2 दिन के लिए जो है वो लेना है, फिर आपको ड्राइव करना है, आपको सारा सामान उतारना है, मतलब लोड करना है, अनलोड करना है, ठीक है. उसके बाद अगर आप में थोड़ी हिम्मत बच जाए थोड़ी बहुत, उसके बाद मंडे को ऑफिस का भी काम करना है. हाँ, मंडे को ऑफिस काम है. फिर थोड़ी बहुत हिम्मत बच जाए तो आपको जो है वो सामान जमाओगे. तो अभी हमारे लिए ये इजी हो गया है कि अब हम जाते से ही जो है सामान जमाना अपना चालू कर देंगे. हम थके नहीं है बिल्कुल भी, कुछ ऐसा लग रहा है यार. कोई क्या मतलब कुछ भी नहीं हुआ यार. बहुत अच्छे लोग थे यार दीपक, कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से, पेशेंस से, अच्छे से काम, सब कुछ तमीज से, सिस्टमैटिक, और सब कुछ मतलब
आप जो जो बोलोगे वो सर्विसेज हैं और अच्छा ये आज खुली है जब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखो ये है एक एप्पल मार्केट, ये जब से हम शिफ्ट हुए तब से बंद थी और आज खुली है जब हम यहाँ से जा रहे हैं। फ्रेश फ्रूट, इसका नाम है बोर्डनजी फ्रेश फूड। बोर्डनजी जो है वो यहाँ पर एक वो है लेक, बहुत ही फेमस लेक है, तो वहाँ से आते हैं शायद फ्रेश फ्रूट्स तो जब से हम शिफ्ट हुए लाइन लगी हुई है आज। हाँ, जब से शिफ्ट हुए अभी तक नहीं खुला, आज खुला हुआ है। तो गाइस हम लोग म्यूनिख आ रहे हैं। अब हम लोग आपको म्यूनिख की गलियों में दिखेंगे जो लोग म्यूनिख में रहते हैं। देखो म्यूनिख तो बड़ा गड़ी बढ़िया हो रहा है। बिल्डिंग होने वाली थी एक दिन हमारी। सही लोग थे ना वो, तो बढ़िया। तो सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट वगैरह ये संभाल के रखना एड्रेस के लिए, है ना, इट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप एड्रेस चेंज करते हो तो आपको ओनर की तरफ से या फिर जो भी एजेंसी होती है उसकी तरफ से एक लेटर मिलता है जो आपको यहाँ पर जो ऑफिस होता है वहाँ सबमिट करना होता है कि आपका जो रेसिडेंट है, मतलब जो आपका एड्रेस है वो चेंज हो गया है, तो आपका एड्रेस इससे होता है, तो वो लेना मत भूलना। और ये है हमारा नया घर। आई डोंट नो फर्स्ट लुक में आपको कैसा लग रहा है, पर जैसा भी लग रहा है ज़रूर कमेंट करना। ओके, सो नाउ आई एम विद प्रियोट हियर एंड ही हेल्प्ड अस अ लॉट फॉर शिफ्टिंग दिस थ्रू द लगेज पूल। And he lives in Munich, and definitely he has got the best ratings on the luggage pool. That's why that's the reason we contacted him, and it was so helpful from his side that he has finished everything so fluently. And thanks to him. So, Pierre, just few questions. You live, you take all this kind of a shifting deliveries from Munich or nearby areas also? Near Munich mostly, but sometimes even 500 kilometers from Munich. Okay, that is good. There and come back. And you work on every day on the weekends or only on like you take I'm available whole week. Days? Oh, okay. That whole is week. Very nice. So you guys also definitely contact the Piot and we will put his description in the description box and any kind of the shifting. And you also do some electrical work, right? Electrical lamps, drilling, even water connections with sink. Okay. Super. So he was the super guy for us who helped us for the shifting. Definitely you guys can also contact him. Piotr, you want to add something to our audience? This is a difficult question, I know. I'm surprised with this question. And thank you. Thank you so much. Bye-bye. तो एक बार मैं हिंदी में समझा देती हूँ। ये जो पर्सन था जिसने शिफ्ट कराई, ये नहीं, ये जो था वो म्यूनिक के पास ही रहता है
और उसका नाम पियोट है। तो लगेज पूल में अगर आप जब भी बुक करते हो तो आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलती हैं, रेफरेंसेस मिलती हैं और उनकी रेटिंग्स होती हैं। इस पर्सन की रेटिंग बहुत अच्छी थी तो हमने इसलिए बुक किया था और ही इज़ लाइक उसने बहुत अच्छे से सब कुछ करा दिया। सच में। हाँ, और पूरे वर्क मतलब कोई भी दिन आप कर सकते हो और बहुत सारी चीजें जो है वो करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, सामान शिफ्टिंग, असेंबली, डिसेंबल, जितना भी है सारा कुछ। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें डिसाइड कर सकते हो आपको कितने लोग एडिशनल चाहिए हेल्प के लिए लगेज पूल के थ्रू। हाँ। कि आपको लगता है कि यार एक बंदा सामान उठा लेगा या आप उसकी थोड़ी हेल्प करा दोगे तो आप एक ही बंदे को बुक करोगे, और अगर आपको लगता नहीं सामान ज़्यादा है और हमें कुछ हेल्प नहीं करनी है, मतलब हम किसी को दिक्कत होती है, तो आप एडिशनल एक बंदा या दो बंदा कर सकते हो। हमने एडिशनल एक बंदा किया था तो उसके साथ एक बंदा एडिशनल आया था, तो उन दोनों ने ही पूरा सामान शिफ्ट किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब हम आपको लास्ट में बता देते हैं, आई थिंक आप सब लोग वेट कर रहे होंगे कि ये कितने का है, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा था तो ये बहुत सारा प्राइस दिखा रहा था और जगह पर जब हमने कंपेयर किया था। मैं बताऊंगा आपको कितना दिख रहा था। तो हमने इसको पे किया है लगभग अप्रोक्सीमेटली 520 यूरो। प्लस जब भी इस तरीके की आप सर्विस लेते हो तो आपको कुछ टिप देना जो है वैसे जरूरी नहीं है, पर यू कैन गिव। तो हमने 20 यूरो जो है वो एक्स्ट्रा दिए थे, एंड देन वी आल्सो ऑफर कॉफी वगैरह, जो हमारे यहाँ तो मतलब एक वो एक चीज कही जाती है, चाय पानी तो पूछते ही हम। तो ये हमने पे किया था। तो अगर आप, और हमें ऑनलाइन सपोर्ट मिल गया था, तो इनका व्हाट्सएप नंबर है लगेज पूल का, तो हमने उनको बोल दिया था कि हमारा इतना सामान है और हमें ऑनलाइन सपोर्ट मिल गया था, उन्होंने हमें सब बता दिया था कि आपको कैसे बुक करना है, और जैसे ही हमने बुक किया था थोड़ी देर में ही। और बुक करना भी जरूरी, बहुत सिंपल है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, चूज करो कौन सी सर्विस चाहिए, डिसाइड करो किस बंदे से आपको ड्राइवर की हेल्प चाहिए या जो भी चाहिए, उसका नाम चूज करो और सारे आर्टिकल्स ऐड कर दो लिस्ट में उनकी। ऐड करोगे आपको कोटेशन मिल जाएगा कि आपका एस्टीमेशन इतना होता है। जो बहुत कम था, मतलब अगर आप जर्मनी में शिफ्ट हो रहे हो तो आपको इतना पैसा तो रिलोकेशन अमाउंट ही मिल जाता है। पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जब हमने पिछली बार शिफ्ट किया था तो हमारे बिना किसी हेल्प के सब कुछ मिला के 300-350 यूरो खर्च हो गए थे। 300 यूरो हो गए थे सामान खरीदने में, शिफ्टिंग का, लाने में, ट्रॉली व्रॉली, ये सब डब्बे, तो दुनिया का ताम जाम, गाड़ी बुक करना, वो सब चीजों में। 2 दिन के लिए हमने गाड़ी बुक की थी उस टाइम पे। और अभी सब कितने में हुआ है ओवरऑल? 520 यूरो। बाकी का तो आपकी मर्जी है, किसी को मुझे अच्छा लगा है, उन्होंने बहुत मेहनत की इसलिए हमने एक्स्ट्रा पे किया, वो खुद ठीक है। लेकिन 520 यूरो मतलब मेरा सुन के मेरा दिमाग लिया, मैंने कहा यार जल्दी बुक करो। हाँ। क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो 7 से 8 कोटेशन लिए थे यार, 900 यूरो से नीचे कोई नहीं दिख रहा था मुझे। हमने शिफ्ट किया है 250 किलोमीटर से, मेटजिंगन से म्यूनिक 250 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 200 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस में मुझे 900 यूरो से कम तो कोई दिख ही नहीं रहा था, 900 बेस्ट प्राइस मिला था मुझे, और ये मान लो आप ऑलमोस्ट हाफ था। बहुत बड़ी हेल्प मिली मुझे एक्चुअली। आई थिंक ये सारे ही एक्सपैट्स जो यहाँ पर आते हैं जर्मनी में, उनके लिए ये लाइफ सेविंग वीडियो होगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हमको भी ये इन्फॉर्मेशन मिली जस्ट बिकॉज हम लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, इस वजह से हमें मिली, पर ये बहुत अच्छी सर्विसेज है, और किसी इंडियन ने ही ये स्टार्टअप जो बहुत है, अच्छी चीज़ जो है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप लोग भी उसे सपोर्ट करो। और हमारा वीडियो जो है वो स्पॉन्सर नहीं है, पर एक बहुत अच्छा ऑफर है मेरे पास आप लोगों के लिए, वो ये है कि अगर आप लगेज पूल, नीचे लिंक है, अगर उस लिंक से आप ऑर्डर करते हो या आप शिफ्ट करवाते हो जो भी, तो आपको 5 यूरो का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकती हूँ अभी, बिकॉज ये ग्रोइंग कंपनी है, स्टार्टअप है, बट इट्स द बेस्ट एंड इट्स लाइफ सेवर फॉर अस। तो इसी के साथ दीपक हम जाते हैं। मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, जो भी इनकी सर्विसेज मुझे इतनी प्रैक्टिकल और इतनी अच्छी लगी ना, इनकी ये शिफ्टिंग के अलावा इनकी सर्विसेज कैसी है ना, कि आपने, आप जिस सिटी में रह रहे हो वहाँ से आपको कुछ बड़ा आइटम खरीदना है, तो आपको कोई आधे घंटे के लिए आपको एक ड्राइवर चाहिए गाड़ी के साथ, आप वो ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द गाड़ी का साइज, सामान का साइज, आपको, आपने किसी मतलब सेकेंड हैंड कोई आर्टिकल खरीदा जो बड़ा है उसके लिए आप बुक कर सकते हो, उस टाइप की सर्विसेज भी है। और प्लस फर्नीचर असेंबल करना, असेंबल डिसअसेंबल करना, हाँ, अगर आपको नहीं करना हो तो बहुत कम रेट्स में वो भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत ज्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लोगों को बहुत काम में आती है या हमें जरूरत पड़ती है एक्चुअली। तो हाँ, दीपक ने बहुत ही राइट पॉइंट बताया। तो इसी के साथ हम जाते हैं, अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो आप वो लिंक यूज कर सकते हो और आप खुद ही कंपैरिजन देख लोगे, कंपैरिजन मतलब तो यहाँ वर्सेस यहाँ। पैसा तो छोड़ो कंपैरिजन, ये बता रहा हूँ कि हम लोग शिफ्टिंग के बाद आराम से खड़े होकर वीडियो बना
आ रहा है। पिछली बार मैं मर चुका था, फोन गया भाड़ में, मैं वहां पड़ा हुआ था लास्ट टाइम कि बस दो दिन तक मुझे टच मत करना। और हमें लग रहा है अभी शिफ्ट ही नहीं गया, आराम से रिलैक्स। तो ये है हमारा आई गेस आप लोगों के लिए सोल्यूशन टू शिफ्टिंग, जो कि बहुत ही सरदर्द है। सारे इंडियंस जितने भी यूरोप में रहते हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ पर शिफ्ट होना एक सरदर्द है। एंड हमने आपको एक सोल्यूशन बताया, वी ऑल्सो यूज इट, वी फाइंड इट वेरी वेरी गुड, तो हमने आपको बता दिया। एंड आप लोग ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करना, आपको इस तरीके की सर्विसेज पता है या नहीं वो भी कमेंट करना। अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत नई है आपके लिए तो भी कमेंट करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा देखकर। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय। नहीं आप लोग नहीं सुनते मेरे, सच में नहीं सुनते, वरना बढ़ जाते, बढ़ते नहीं है।